पता है एक ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने में कितने खर्च पड़ते हैं? मेरे करीबन 6,000 रुपये पड़ेगा, जबकि 2 4-व्हीलर का है, और जो बड़े गाड़ियां चलाते हैं उनके करीबन 10,000 से भी ज्यादा लग जाता है। जो परेशानी उठाओ, इतना मेहनत करो। और ड्राइवरों को मैं फुल समर्थन करता हूँ, फुल सपोर्ट करता हूँ। ये जो कानून आया, इसे वापस लिया जाना चाहिए। और सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, और @ लगा के अमित शाह जो ID है ये टैग कीजिए, ताकि काफी परिश्रम लगता है बनवाने में, बनवा के आया हूँ लेकिन अब तोड़ दूंगा। और ये जो नया बिल पास हुआ है ना, ये सुनकर तो मेरा हौस उड़ गया। ये गरीब ही होते हैं जो ड्राइविंग करते हैं, ये कोई अमीर नहीं होते हैं, और 10 साल की जेल, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा इनका। कहीं भी टक्कर लग जाए या कुछ हो जाए तो इसके लिए पहले 2 साल की थी, अब उससे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। ये बहुत गलत है, और मैं भी सोच रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस तोड़ दूंगा। नहीं रहेगी ड्राइविंग लाइसेंस तो गाड़ी भी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैं भी ड्राइविंग करता हूँ, मैं भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आया हूँ। और सभी फुल सपोर्ट है ड्राइवरों के लिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग सपोर्ट करें ड्राइवरों के लिए, और सड़कों पर उतरें। ये जो कानून है ना, इसे दोबारा वापस लिया जाए, ये ड्राइवरों के लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत गलत है। पहले जो कानून था वो ठीक था, लेकिन ये जो अब कानून आया है ये बहुत गलत है, ना इंसाफ है ड्राइवरों के लिए। रातों दिन ये ड्राइविंग करते हैं, और गर्मी हो या ठंडी, ये हमेशा लगे रहते हैं अपने काम में, मेहनत करते हैं, रातों दिन लगे रहते हैं ड्राइविंग करने में। ना तो अब ड्राइविंग लाइसेंस रहेगी, ना तो गाड़ी चलाऊंगा, ना तो 10 साल के लिए जेल जाऊंगा, और ना ही तो जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस तोड़ दूंगा, और ये जो बिल आया है ना, अगर ये वापस नहीं लिया गया ना, तो हकीकत में तोड़ दूंगा। और ये जो बिल आया है ना, बहुत गलत है। मेरा तो ड्राइवरों को फुल समर्थन और फुल सपोर्ट है, और इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ड्राइवरों के सपोर्ट में अपना समर्थन दें और कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।